वीडियोज़ आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन होम वर्कआउट की वीडियोज़ में आपने जो भी देखा है वो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती हैं मोस्टली। लेकिन बिगिनर्स जो होते हैं उनके लिए बॉडी वेट एक्सरसाइज करना भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि बॉडी वेट, बॉडी में जितना भी वेट है वो तो उन्हें पुश करना ही है। और दूसरी लिमिटेशन जो बॉडी वेट वर्कआउट में है वो ये है कि आप उसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ा सकते ज़्यादा, क्योंकि वेट आपका पहले सेट में भी उतना ही रहने वाला है और सेकंड सेट में भी। लेकिन ये रेजिस्टेंस बैंड से जो फुल बॉडी वर्कआउट होगा उसमें आप इसकी इंटेंसिटी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम वेट लोड बढ़ाते हैं वैसे ही हम इसकी इंटेंसिटी हर सेट में चेंज कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस बैंड एक ऐसी चीज़ है जो आप हर जगह कैरी कर सकते हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप घूमने गए हो, चाहे आप कोई किसी काम से बाहर गए हो, तो आपको सिर्फ अपने साथ एक रेजिस्टेंस बैंड कैरी करना है। और इससे पूरी बॉडी का वर्कआउट आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज। जितनी भी नॉर्मली होम वर्कआउट की वीडियोस होती हैं उनसे कुछ अलग होने वाला है। सो वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको हर एक एक्सरसाइज का सही फॉर्म, सही मूवमेंट पता चल सके। सो मैं आपको वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट सारी एक्सरसाइजेज करके दिखाऊंगा सिर्फ एक रेजिस्टेंस बैंड की मदद से। सो आपको ये जहाँ से भी मिले अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से खरीद लेना है, 100-150 रुपये का आएगा, और आप इसकी मदद से अपना फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं। जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं भी इसी से करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पहले कर लेते हैं वार्म अप। चलिए अब करते हैं वर्कआउट अपना स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चेस्ट से। सो चेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कोई भी एक पिलर हो, या गाड़ी के आप डोर से निकाल के भी रेजिस्टेंस बैंड को ले सकते हैं। उसके अलावा कोई भी एक ऐसी चीज़ जो एक जगह गड़ी हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पेड़ है, मैं यहाँ पे इस पेड़ से अपने रेजिस्टेंस बैंड को लगाऊंगा और ये बन गई मेरी चेस्ट फ्लाई। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, पहले आपको मारनी है चेस्ट फ्लाई। चेस्ट फ्लाई के लिए आपको अपने एल्बोज़ को यहाँ नहीं रखना, आपको रखना है शोल्डर से थोड़ा नीचे, और यहाँ से लेके ये हो गया आपकी चेस्ट फ्लाई। इसके आपको करने हैं 3 सेट 15-15 रैप के। उसके बाद आपको इसको करना है थोड़ा ऊपर, रेजिस्टेंस बैंड को आप थोड़ा ऊपर कर लीजिए, और ऊपर से आप फिर आगे नीचे बैंड हो जाइए, और आप करेंगे आप चेस्ट प्रेस। उसके लिए वही चेस्ट आउट, अपनी बॉडी को थोड़ा आगे फॉरवर्ड करके चेस्ट को प्रेस। इसके भी आपको सेम 15-15-15 के 3 सेट करने हैं। ये आपकी हो गई चेस्ट प्रेस और चेस्ट फ्लाई चेस्ट के लिए। उसके बाद आपको ये दोनों आपकी मिडिल चेस्ट और अपर चेस्ट को हिट करेंगे। लोअर चेस्ट के लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस बैंड को नीचे रखना है, एक पैर से अपने दबाना है, इसको सेंटर से दबाना है, और अपना राइट पैर आगे करना है। अब आप यहाँ से कर सकते हैं डिक्लाइन। लोअर चेस्ट के लिए आप कर सकते हैं जैसे डिक्लाइन प्रेस होती है जिम में, वैसे ही ये एक्सरसाइज आपको वही काम करेगी। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं अपनी फ्लाइज। ये आपके लोअर चेस्ट को प्रॉपर फील देगी। इसके भी आप 3 सेट लगा सकते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा अपना चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर्स के लिए। तो शोल्डर्स के 3 पार्ट होते हैं, फ्रंट हेड और लेटरल डेल्ट और रियर डेल्ट। तीनों की हम एक एक एक्सरसाइज करेंगे, उतना इनफ होता है। आप चाहें तो 2-2 कर सकते हैं, या ज़्यादा सेट्स लगा सकते हैं, 3 सेट्स की जगह 4 सेट्स लगा सकते हैं, 5 सेट्स लगा सकते हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे फ्रंट रेज। फ्रंट रेज फ्रंट डेल्ट के लिए, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये रेजिस्टेंस बैंड 2/3 से अपने पैर से दबाना है, 1/3 हिस्सा राइट हैंड पे, 2/3 लेफ्ट हैंड पे, और यहाँ से
ऐसे लीन फॉरवर्ड होके थोड़ा, और ये अब हम लेफ्ट साइड से इसे 1/3 दबाएंगे और 2/3 राइट साइड पे रखेंगे और फिर राइट हैंड से फ्रंट रेज। ये फ्रंट रेज की एक्सरसाइज हमारी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेटरल डेल्ट्स के लिए, यानी कि साइड डेल्ट्स के लिए। इसके लिए भी आपको सेम ही चीज़ करनी है, अपने पैर से 1/3 पार्ट को दबाना है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 2/3 पार्ट रखना है रेजिस्टेंस बैंड का, और इसको आप करेंगे साइड रेज। और ध्यान रखें बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऊपर तक ना ले जाएं, इसे बाहर की तरफ पुश करें, बाहर की तरफ। और सेम अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड के लिए। यहाँ पे राइट पैर से हम दबाएंगे रेजिस्टेंस बैंड को 1/3 पार्ट राइट में, 2/3 लेफ्ट में, और यहाँ पे फिर दोबारा हम करेंगे साइड रेज। ध्यान रखें जब आप साइड रेज करें तो अपनी चेस्ट को आउट रखें और जो आपका हाथ है लेफ्ट वाला वो ज़्यादा आपके बॉडी के पैरेलल ना हो, थोड़ा फ्रंट पे रखें उसे और ऐसे ये ऊपर की तरफ पुश करें। अब इस एक्सरसाइज में अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना है, जैसे हमने ये 1/3 पार्ट राइट में रखा था और 2/3 लेफ्ट में रखा था, तो आप क्या करिए इसको थोड़ा ज़्यादा आपको इधर छोड़ना है ताकि ये रबड़ ज़्यादा ऊपर तक ना जा पाए, तो आपको ज़्यादा इंटेंसिटी फील होगी इसको ऊपर खींचने में। तो जितनी जितनी आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है उतना ही स्पेस आप इधर बढ़ाते जाइए, उतना ही ज़्यादा ये रबड़ टाइट होता चला जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो है इंटेंसिटी वर्कआउट की, जैसे हम वेट बढ़ाते हैं, यहाँ पे वेट बढ़ाने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है कि रबड़ को टाइट करते जाना है। ये हो गई साइड डेल्ट्स के लिए। अब हम करेंगे रियर डेल्ट्स के लिए। रियर डेल्ट्स के लिए भी सेम ही है, सिर्फ हमें पोजीशन चेंज अपनी करनी है। यहाँ पे दोनों पैरों से हम इसको दबाएंगे, दोनों तरफ बराबर हिस्सा छोड़ेंगे और इसमें इंटेंसिटी के लिए क्या करेंगे, पैरों को वाइड करते चले जाएंगे। तो हम पहला सेट यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल मिड से ज़्यादा ये बीच में ना रखते हुए, दोनों साइड बराबर रखते हुए खुद बेंट होंगे और यहाँ से ये दोनों तरफ पुश करेंगे और जब ये नीचे आएगा तो इसे होल्ड करेंगे नेगेटिव्स में, ऊपर पुश देन नीचे होल्ड, ऊपर पुश देन नीचे होल्ड होल्ड होल्ड। ये होगी आपकी रियर डेल्ट्स के लिए। अब इसके बाद हमारे डेल्ट्स हो गए, हमारी चेस्ट हो गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रैप्स के लिए, यानी कि ट्रैप्स मसल के लिए। उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, आपके जब तक आप अपर बॉडी का वर्कआउट करके कंप्लीट होंगे तब तक आपको पता चलेगा कि आपके लेग्स का वर्कआउट ऑलरेडी बहुत सारा हो चुका है। तो नेक्स्ट वर्कआउट में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ट्रैप्स के लिए क्या करेंगे, अपने पैर से दबाएंगे से सेम जैसे हमने रियर डेल्ट के लिए ये किया था, और अब हम इसे करेंगे ऊपर स्क्वीज 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 स्क्वीज। इसमें इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए पैरों को थोड़ा वाइड कर लो, नीचे वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को ज़्यादा कर लो ताकि ये जो लेंथ है ये जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सो अगेन नेक्स्ट सेट में वही 12 से 15 रैप स्क्वीज। कोशिश करेंगे ट्रैप्स को ऐसे पूरा ऊपर टच करें अपने कान से और नीचे लाएं धीरे धीरे। ये एक्सरसाइज होगी आपकी ट्रैप्स के लिए। नेक्स्ट सेट और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए और ज़्यादा पैरों को वाइड कर लीजिए ताकि रबड़ और ज़्यादा टाइट हो जाए, और अगेन देन स्क्वीज। इसमें आप अपने हैंड्स की पोजीशन बदल सकते हैं, ऐसे करके पहले एक दो सेट मार सकते हैं, देन इसे पैरेलल भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आपके ट्रैप्स हिट होंगे। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज हम ट्रैप्स के लिए करेंगे, उसमें हमें फिर एक पिलर या पोल या कुछ भी ऐसा चाहिए होगा जो स्टैटिक हो। उसके लिए हम, आपने जिम में एक्सरसाइज सुनी होगी फेस पोल्स बोलते हैं इसे, सो
इसके लिए हमें रेजिस्टेंस बैंड को उस पोल पे टांग लगाना है और देन इसे पुल करना है अपनी बॉडी की तरफ, फेस की तरफ। यहाँ से हम इसे पुल करेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये एक्सरसाइज भी डेल्ट्स के लिए, सॉरी ट्रैप्स के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। जिम में भी हम यही करते हैं, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बैंड भी हमारा वही काम कर रहा है, सिर्फ हमें इंटेंसिटी बढ़ा। इसमें हम इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएंगे? इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमें जितना ज़्यादा आप उस पोल से दूर होते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा रबल टाइट होती चली जाएगी और उतना ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इसे खींचने के लिए। जितना मैं पास रहूँगा उतना कम इंटेंसिटी रहेगी। ये आसानी से हो रहा है, फर्स्ट सेट आप पास से लगा सकते हैं। देन जैसे जैसे आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है आप उससे दूर होते चले जाए और ये इंटेंसिटी आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये होगी ट्रैप्स की एक्सरसाइज। देन नाउ हमारे डेल्ट्स हो गए, ट्रैप्स हो गए, चेस्ट हो गए, यानी कि अपर पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बैक के लिए। बैक के लिए हम तीन एक्सरसाइज या दो एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं आराम से। बैक में भी कई पार्ट्स होते हैं, अपर लैट्स, लोअर लैट्स, देन लोअर बैक। सो बैक के लिए हम क्या करेंगे, बैक की एक्सरसाइज के लिए पहली एक्सरसाइज हम करेंगे रबर बैंड रेजिस्टेंस बैंड को दबाएंगे पैरों से और देन इसे उतना दबाएंगे कि सिर्फ अगर इसके पांच हिस्से करें तो दो हिस्से नीचे, तीन हिस्से नीचे दबे हों, एक एक हिस्सा साइड में हो। तो दोनों साइड से दबा के और हम इसे करेंगे पीछे पुल। ध्यान रखें इसके लिए आपको रबर बैंड को ज़्यादा दबाना होगा तभी आपको बैक पर फील होगी। तो यहाँ पे वही सीटेड रोज वाली फीलिंग मुझे आ रही है। पुल करें जितना पीछे कर सकते हैं, देन धीरे धीरे इसको छोड़ें। तो इसके भी आप तीन सेट लगा सकते हैं 15-15 रैप्स के या जितने में आपको इंटेंसिटी फील हो। ये आपका बैक के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। देन नेक्स्ट हम बैक के लिए एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वो करेंगे हम, फिर दोबारा हमें इस पोल की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम दोबारा से वही टेक्निक अपनाएंगे और इंटेंसिटी के लिए मैंने आपको बता ही दिया पहले कि जितना आपको इंटेंसिटी बढ़ानी उतना आप पोल से दूर होते चले जाएं। रबर ऑलरेडी टाइट हो जाएगी तो उतनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी उसे पुल करने में। तो यहाँ पे हमारा पहला सेट है तो हम ज़्यादा दूर नहीं होंगे, पास होंगे। और वैसे ही आप रबर बैंड को नीचे ऊपर जिस एंगल से आपको हिट करना है, आपको अपर बैक को, अपर लेग्स को हिट करना है तो आप इसे ऊपर रखें, ठीक है, यहाँ से पुल करें। ये एल्बोज बैक से पीछे चले जानी चाहिए, उतना स्क्वीज होना चाहिए कि आपकी एल्बोज जो हैं वो बैक से पीछे चले जाए। एल्बोज आपको बैक फॉरवर्ड कर, बैक पुल करनी है। देन नेक्स्ट हम इसे थोड़ा नीचे करेंगे ताकि हमारे लोअर लेग्स अच्छे से हिट हो। और सेट्स आपको वही रखने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेट्स और रैप्स रख सकते हैं, मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ। सो देन नेक्स्ट हम इसके इसे नीचे करेंगे और फिर दोबारा से पुल करेंगे। मेक श्योर कि आपके एल्बोज आपके बैक से पीछे जा रही हो तभी आपको ये बैक पे फील होगी, वरना अगर आप यहीं पे ऐसे करते रहेंगे तो आपके बैक इन्वॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे जाके बैक अच्छे से इन्वॉल्व हो रही है। तो ये हो गई हमारी सेकंड एक्सरसाइज बैक के लिए। देन हमारी बैक हो गई, अब हमारी चेस्ट हो गई, हमारे डेल्ट्रॉन्स हो गए, हमारे ट्रैप्स हो गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए, फेवरेट पार्ट है सबका। बाइसेप कर्ल तो आपने मोस्टली सभी लोगों को करते हुए देखा होगा कि रेजिस्टेंस बैंड से बाइसेप कर्ल कैसे करते हैं, वही फिर दोबारा हम इसे पैर से दबाएंगे। कोशिश करें बिड से रखने की ताकि दोनों तरफ सेम फोर्स आपको लगानी पड़े और दोनों तरफ सेम आपको पंप फील हो। एल्बोज को अपनी पीछे पुल करना है, चेस्ट आउट करना है, यहाँ से ये ज़्यादा इसे यहाँ तक ना लेके जाएं। ये मूवमेंट बाइसेप कर्ल से हटके आपके बैक पे चली जाती है और फ्रंट डेल्ट पे चली जाती है। सो बाइसेप्स पे ही इस मूवमेंट को रखने के लिए आपको एल्बोज पीछे रख के सिर्फ 90 डिग्री या 90 डिग्री से 95 डिग्री तक ही जाना चाहिए। यही बेस्ट मूवमेंट है मोस्ट ऑफ दी बाइसेप पीक को फील करने के लिए। और बाइसेप आपको तभी ग्रो होगा जब आपकी मसल्स
सही मूवमेंट में मूव करेंगे और आप एक्सरसाइज सही से करेंगे। इसके हम मारेंगे 15 से 17 रैप क्योंकि बाइसेप्स है। देन इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए भी हम वही करेंगे, हम अपने पैरों को वाइड करते जाएंगे ताकि रबर टाइट होती जाए और हमारे वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ती जाए। और देखिए मुझे टाइट फील हो रही है और वहीं पे सिर्फ 95 डिग्री पे आके ही ये अपना फुल फोर्स लगा दे रही है। सो बहुत अच्छे से मुझे ये पंप फील हो रहा है इस एक्सरसाइज का, शायद वीडियो में आपको भी दिख रहा होगा। देन बाइसेप्स के लिए ही, बाइसेप्स के भी कई मसल्स होते हैं, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड, ब्रेकालिस। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो होगी हैमर, हैमर कर जो आपने सुना होगा, या रोप, हम जिम में जो रोप से लगाते हैं। यहाँ पे भी सेम, सिर्फ ये मूवमेंट नहीं रखनी आपको, अपनी हैंड्स की पोजिशन चेंज करनी है और देन ये हैंड्स को पैरेलल रखना है अपने और पुल पुल। यहाँ पे भी कोशिश करें कि 90 डिग्री और 95 डिग्री तक ही हैंड्स पूरी फोर्स लगा दें। वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है ये मेरी तो। तो ये हो गई बाइसेप्स के लिए हैमर कर्ल। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है ट्राइसेप्स के लिए। तो ट्राइसेप्स के लिए आप इसे कई तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास पोल है तो हम पोल का यूज़ करेंगे, इसे बोलेंगे हम ट्राइसेप्स किक बैक। सो हमें इसमें पोजीशन अपनी ये रखनी है ताकि ग्रिप हमारे कंट्रोल में रहे और हम इससे पीछे पुश कर पाए, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्राइसेप्स किक बैक। यहाँ पे हमने एल्बोज को पीछे करना है, देन पुश पुल पीछे। डिफरेंट डिफरेंट एंगल सेट करने के लिए आप रबर बैंड को एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, जहाँ पे आपको अच्छे से फील हो अपना ट्राइसेप्स। तो इसे नीचे करके देखते हैं और इसके भी हम 3 सेट्स लगा सकते हैं। ट्राइसेप्स पूरे हाथ का 2/3 होता है और ज़्यादा अच्छा और मस्कुलर भी हमारा जो बाइसेप्स है वो तभी लगता है जब हमारा ट्राइसेप्स अच्छे से प्रॉपर डेवलप होता है। तो ट्राइसेप्स पर ज़्यादा फोकस रखें, ये एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए। और नेक्स्ट हम ट्राइसेप्स के लिए सेकंड एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोबारा हमें रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैर से दबाना है, देन ये हमें हाथ अपना पीछे लेके जाना है और ग्रिप को पकड़ना है रिवर्स। यहाँ से हम इसे लेके जाएंगे और पीछे ये। ओवरहेड प्रेस, इसे हम डंबल की ओवरहेड प्रेस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की ओवरहेड प्रेस है। देन हम करेंगे इसे लेफ्ट लेग से इसे दबाएंगे। इसकी भी इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आपको ज़्यादा दबा लीजिए इसे थोड़ा और रिवर्स ग्रिप। कोशिश करिए आपकी एल्बो आप इतनी बाहर ना हो, एल्बो अंदर हो। जितनी ज़्यादा एल्बो अंदर रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके ट्राइसेप्स पर ये हिट करेगा। ऊपर और जब नीचे ला रहे हैं तो इसे रोकते हुए धीरे धीरे नेगेटिव्स में कंट्रोल्ड ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने ट्राइसेप्स के लिए सेकेंड एक्सरसाइज। इसके लिए आप थोड़े ज़्यादा रैप्स लगा सकते हैं और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ करना है थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस बैंड को बढ़ाना है और हर सेट में थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी, जैसे कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड हम जिम में यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस बैंड की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस बैंड के अपने पैर से दबाते जाना है और उसकी इलास्टिसिटी को ज़्यादा करते जाना है ताकि वो ज़्यादा स्ट्रेस दे और आपकी मसल ज़्यादा पंप हो। अब हमारे बाइसेप्स हो गए, हमारे ट्राइसेप्स हो गए, हमारी अपर बॉडी कंप्लीट हो चुकी है। लोअर बॉडी के लिए आपको मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस बैंड की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप सिंपली स्क्वाट्स लगा सकते हैं, बर्पी कर सकते हैं या लंजेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको करना है रेजिस्टेंस बैंड से
तो आप रेजिस्टेंस बैंड को यहाँ पे पैरों से दबाइए और यहाँ से आप लीजिए रेजिस्टेंस बैंड को अपने एल्बोज के पीछे से। स्क्वाट करते टाइम ध्यान रखें कि आपके जो नीज की मूवमेंट है वो सही हो, ना ज़्यादा आपके पैरों की मूवमेंट ज़्यादा वाइड हो ना ही ज़्यादा पास हो। नॉर्मल जो हमारे हम नॉर्मल पोजीशन जिसमें हम वॉक करते हैं इतना वाइड होना चाहिए, आपके शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर। सो वहाँ पे आप रेजिस्टेंस बैंड को दबाइए और पीछे से इसे लाइए और फील लीजिए पूरा स्क्वाट्स का। इसके भी आप सेम 15 रैप्स या ज़्यादा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ वेट कम है और मैं ज़्यादा रैप्स लगा सकता हूँ तो आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए थोड़े ज़्यादा रैप्स लगा सकते हैं। देन आप सेकेंड एक्सरसाइज काल्स के लिए आप अपने कोई भी एक पिलर हो या कार हो आपकी या कुछ भी हो वहाँ पे आप सिंपली अपने उस पर खड़े होइए और थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेट ला रख के थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड होके और ये मूवमेंट ये आप अपने काल्स के लिए लगा सकते हैं। तो ये काल्स का भी हो गया वर्कआउट। आई थिंक हमने फुल बॉडी वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई एक्सरसाइज रह गई है, जैसे कि आपको लगता है फोर आर्म की करनी है, तो आप फोर आर्म के लिए भी सेम रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों से दबाइए और ये आप कर सकते हैं फोर आर्म्स के लिए। इंटेंसिटी के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आप या तो अपनी पैरों की जो विथ है उसे बढ़ाते जाए या रेजिस्टेंस बैंड को ज़्यादा दबाते जाए और आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी, आपकी मसल पर लोड बढ़ता जाएगा। दोस्तों ये था फुल बॉडी वर्कआउट वीडियो विद रेजिस्टेंस बैंड। ये होम वर्कआउट की वीडियोस से अलग है क्योंकि उनमें हम सभी लोग बॉडी वेट यूज़ करते हैं और बॉडी वेट की प्रॉब्लम दो हैं, एक तो आप उसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ा सकते, दूसरा सभी बिगनर्स बॉडी वेट में वर्कआउट नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए। सो रेजिस्टेंस बैंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं और हर जगह कैरी कर सकते हैं, ना आपको स्पेस की प्रॉब्लम है ना ही कोई इक्विपमेंट आपको चाहिए। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो आया है पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।